हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज मैं आप सबके सामने एक इम्पोर्टेंट टिप्स जो है शेयर करने जा रही हूँ। अभी जो है 12th फेब को आपका गेट का एग्जाम है, फिजिक्स का एग्जाम है, जो कि उसके लिए सबसे पहले आप अपने जो है एडमिट कार्ड्स का प्रिंट आउट निकाल लिया होगा। वैसे आप सबने उसके साथ आप मास्क है और सैनिटाइजर है जो कोविड प्रोटोकॉल के लिए है वो सब आप कैरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि 2 घंटे पहले लाइक आप अपना जो है रिवीजन वगैरह सब छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आप रिवीजन करते करते आपको एक पॉइंट ऐसा आता है, आपको लगता है कि मुझे तो, और जबकि प्रोवाइडेड आपने एक अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है कि मुझे तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन ही नहीं है और कुछ नहीं आ पा रहा है, तो उससे आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप जो है लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं या एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री से पहले आपको अपना फ्रेंड मिल जाता है, तो आपको ये लगता है कि आप डिस्कस करने लगे, कोई क्वेश्चन आपके फ्रेंड ने पूछ लिया पर आप उसका आंसर नहीं दे पाए, तो आप बड़े ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप इन डिस्कशन वगैरह को अवॉइड कीजिए उस टाइम पर। सेकंड पॉइंट ये है, जब आपने अपनी एंट्री ले ली है तो उस टाइम भी एग्जाम में बैठ गए हैं, आप रूम के अंदर बैठे हैं और क्वेश्चन पेपर का वेट कर रहे हैं, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि पेपर कैसे आने वाला है, वो पेपर हमारा ज़्यादा टफ तो नहीं आएगा। तो वो आप अपना माइंडसेट मत कीजिएगा कि पेपर मेरा टफ ही आएगा, आपको अपना फुल कॉन्फिडेंस से बैठे रहना है उस टाइम पे। और जैसे ही आपने लाइक थर्ड पॉइंट ये है, अपना क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो आप एक पॉइंट देख पा रहे हैं, लाइक आपके पास जो है सबसे पहले टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस जो है 9 से 10 क्वेश्चंस आ गए और लाइक वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, वहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, तो आपके एकदम सीधे माइंड में जाता है कि लाइक मेरा तो अब एग्जाम ही क्लियर नहीं होगा, गेटिंग क्वालिफाई नहीं होगा, मुझे PhD में एडमिशन नहीं मिलेगा, ये तो अटेम्प्ट मेरा निकल गया। तो उन सब चीज़ों से अवॉइड कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो एग्जाम में इनिशियल स्टेज में आपके टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सबसे जो एग्जाम के टफ क्वेश्चंस हैं वही आपके इनिशियल स्टेज में आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं इजी क्वेश्चंस आए, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास जो है एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, MCQ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, MSQ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके मोर देन 1 ऑप्शन रहेगा, और NAT क्वेश्चंस हैं जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो नेगेटिव मार्किंग आपके केवल MCQ क्वेश्चंस में है और वो आपकी जो है 0.3 है, 0.6 से काफ़ी हाई नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने जो है नेगेटिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव से काफ़ी आपके जो हैं मार्क्स वगैरह काफ़ी कम हो जाते हैं, गेट में तो आपका 1 मार्क भी काफ़ी मैटर करता है। सो आप उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा, आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, लाइक आपको 80% श्योर है लेकिन 20% फिर भी MCQ में ये लग रहा है कि ये मेरा आंसर नहीं करेक्ट आ रहा है, तो आप ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को अवॉइड करने का। इसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, एक सिचुएशन ये भी आ सकती है लाइक आपका हाफ टाइम जो कि 1.5 आवर है वो आपका निकल चुका है और आपने अभी अपना 50% भी जो है क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, आप अपना 1 मार्क वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन सबके साथ होती है। यहाँ पे भी आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरा जो है एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, तो कोशिश कीजिए उसमें वापस बैक करने की और अपने जल्दी से 1 मार्क वाले, यहाँ पे आप अपनी एक स्ट्रेटेजी जो है अलग से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको जो 100% श्योर आ रहा है या सिंगल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, और लाइक आपने सेकेंड आपका ऐसा बन रहा है कि क्वेश्चन का अप्रोच तो पता है आपके लेकिन वो बहुत लेंदी जा रहा है या उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो रही है, तो जस्ट उसको आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए डाल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप चलिए फिर इसी तरह से। और अगर आपका फिर भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपका क्वेश्चन भी लेंदी है, कैलकुलेशंस भी लेंदी हैं, तो आप ऐसे सिचुएशन में भी मार्क को रिव्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बार आपने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का राउंड ले लिया है, अब सेकंड टाइम आइए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन मैंने भी जब एग्जाम दिए थे तो सबके साथ ही होती हैं आई थिंक ना, तो इस तरह से आप अपनी पॉजिटिविटी रख सकते हैं। एक आप अपनी जो है कल का लास्ट डे रह गया है आपका रिविजन के लिए, तो ट्राई कीजिए अभी से आप अपने फॉर्मूले वाले लिस्ट को बना लीजिए और उन फॉर्मूले को आप जो है अपना रिवाइज कर सकते हैं। कल की डेट में तो आपके पास इतना ही तो टाइम रहेगा ना कि जस्ट फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लो वो चीज़ें, तो वो लिस्ट आप अपनी ज़रूर बना लीजिएगा अभी। और मैं सजेस्ट करूँगी आप अपने 2 घंटे से पहले या आप अपना रिविजन को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि उस टाइम पे आपको ऐसा आता है और एनर्जी चाहिए ना, एग्जाम में बैठ के तो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, गेट में हैं, नेट में हैं, तो आप उस एनर्जी को आप अपने एग्जाम टाइम पे लगाइए
और ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स हैं। वैसे तो आप सबका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो चुकी है, रिवीजन भी आपका स्टार्ट हो गया होगा, कल का लास्ट डे आपके पास बचता है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट।